दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे पास रियलमी का फ़ोन है, रियलमी 2 फ़ोन है ये। इसमें दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि देख लीजिए, इसमें ऑटोमेटिक ये फ़ोन ऑन होने पर ये लिख कर आ रहा है वाइट डाटा रिबूट पावर ऑफ। इसको रिबूट कर देंगे तो फिर वही ऑप्शन रिबूट, इसी ऑप्शन में आ जाएगा फ़ोन ये। तो दोस्तों ये दिक्कत हो रही है, लगातार यही दिक्कत बनी है इसमें। फिर से ऑफ करें, कुछ भी करें, यही मगर प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम हो जाती है, पावर की या कोई वॉल्यूम की आपकी प्रेस हो रही होगी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ोन को ओपन करना है, देखना है कि प्रॉब्लम ये कहाँ से हो रही है। अगर आप बैक पैनल हटाएंगे इसका, उसके बाद आपको पता चल जाएगा दिक्कत कहाँ से हो रही है ये। अगर आपकी पावर की प्रेस दिक्कत कर रही है तो आप पावर की चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स फ़ोन को ओपन करते हैं, यहाँ से सिम आउटर निकालेंगे। सिम आउटर निकालने के बाद इसमें पैनल हटाएंगे इसका। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका सिम आउटर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए, अभी हम इसको रिबूट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने रिबूट किया है, देख लेते हैं, थोड़ा ऑन होने देते हैं इसको, एक बार फिर ऑन होगा ये। तो दोस्तों देख लीजिए सेट ऑन हो गया ये। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों, पावर की से हो रही थी। पावर की इसका पैनल जो हटाया हमने इसका, ये बैक पैनल, तो इसकी वजह से पावर की प्रेस होना बंद हो गई। वो लगातार प्रेस हो रही थी, तब रही थी, इस वजह से सेट दिक्कत कर रहा था। दोस्तों देख लीजिए ये सेट बिल्कुल सही तरीके से चालू हो गया। और हम इसको आपके पावर की फिर से चेक करके दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए यहाँ पर लगातार वैसे ही काम कर रही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपके पावर की दिक्कत करे तो आप इसको चेंज कर दें, यहाँ पर पूरी तरीके से सही काम कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पावर की बिल्कुल सही वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा वॉश करेंगे, सही करेंगे। और इसको पैनल जब लगाएंगे तो देख लेंगे कि इसकी कोई इससे प्रेस तो नहीं हो रही, यहाँ दब तो नहीं रही है, इसी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसको आपको सही से देख लेना एक बार, थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि दब रही है, थोड़ा सा आपको सही कर लेना है इसको, पैनल को फिर लगाना इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से ये दिक्कत सही कर लेंगे आप। अगर उसके बाद भी दिक्कत नहीं सही हो रही आपकी, तो पावर की आपकी ख़राब होगी, इसको चेंज कर देंगे आप। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल उस तरीके से सही हो जाएगी।